नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। वेबेक्स के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ी प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह, सभी जोनल हेड कावा, आज के इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी जोनल हेड साउथ जोन, कावा के सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, ग्रुप केंद्र नागपुर में उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा विनय बरहटे, कोऑर्डिनेटर श्रीमती कीर्ति जम्बोलकर, सीआरपीएफ के सभी कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, डिप्टी कमांडेंट कम ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत मंथ जून 2022 को सामाजिक उत्तरदायित्व विषय पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को कोविड की वजह से वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पे भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष 22 जून को कावा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम आप सभी को कावा के 27वें स्थापना दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। अब मैं प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो कावा के 27वें स्थापना दिवस पर सभी क्षेत्रीय कावा केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा आज के इस व्याख्यान श्रृंखला के 10वें विषय पर अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह। थैंक यू युवराज। नमस्कार। कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स, आर कावा हेड्स और परिवार के सदस्यों, अधिकारीगण, कार्मिकों तथा आज के कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता डॉक्टर रेखा विनय बरहटे का अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को कावा के 27वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष कावा की 27वीं वर्षगांठ को हम सभी ने लीक से हटकर सीआरपीएफ के सभी क्षेत्रीय कावा केंद्रों में 3 पॉइंट्स, स्वास्थ्य एवं कल्याण, खेलकूद एवं समाज सेवा के आधार पर अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया। कावा परिवार द्वारा कावा की 27वीं वर्षगांठ को इतने वृहद स्तर पर मनाने तथा तीनों बिंदुओं पर गतिविधियों को आयोजित करवाने के लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आशा है कि भविष्य में भी कावा की वर्षगांठ को आप सभी इसी उत्साह के साथ मनाते रहेंगे। मुझे कावा की 27वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि स्माइल्स फाउंडेशन, स्प्रेड माइल्स ऑफ स्माइल्स एनजीओ के सहयोग से कावा द्वारा सीआरपीएफ के सभी कार्मिकों, चाहे वो सेवारत हो, शहीद, मृतक या सेवानिवृत्त हो, उनके 4 से 12 तक की कक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए निशुल्क बायजूस के ई लर्निंग ऐप लाइसेंसेस मुहैया करवाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और साथ ही आप सभी को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि कावा द्वारा एक नई योजना सीआरपीएफ डेप्थ प्रोटेक्शन स्कीम के सृजन का भी प्रावधान किया जा रहा है। इस स्कीम में सीआरपीएफ के जवान जो लोन लेते थे और उसके पश्चात देहांत हो जाता था, उस स्थिति में उनके परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी वित्तीय सहायता प्रदान, इस स्कीम में उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हम सब 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के 10वें विषय
सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्याख्यान श्रृंखला का भी आयोजन कर रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी एक नैतिक और वैचारिक सिद्धांत है कि एक इकाई, चाहे वह सरकार, निगम, संगठन या व्यक्ति हो, समाज के प्रति जिम्मेदार है। व्यक्ति और संगठन बड़े पैमाने पर समुदाय की मदद करने के लिए बाध्य है। आमतौर पर यह एक सक्रिय प्रयास है जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे के विरुद्ध कार्य करना या पर्यावरण के लिए हानिकारक कार्य करने की रोकथाम शामिल है। आज के इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर रेखा विनय बरहटे आज हमारे साथ वेबिनार माध्यम से GCCRPF नागपुर से जुड़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है इनके विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे और सामाजिक उत्तरदायित्व को भली भांति समझ पाएंगे। धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर रेखा विनय बरहटे। थैंक यू। धन्यवाद मैम। एक बार पुनः कावा परिवार आपको आपका आभार व्यक्त करता है मैम कि आपने आपकी देख रेख में कावा ने बहुत आयाम को हासिल किया है और साथ में बायजूस और साथ में जो डेथ स्कीम की जो आपने आज चर्चा की है ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम सीआरपीए परिवारजनों के लिए होगा क्योंकि 3 सालों के लिए बायजूस के द्वारा ई लर्निंग के लिए कावा की तरफ से स्माइल फाउंडेशन से सहयोग किया एमओयू किया गया है जिसके तहत हम एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 4 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए और हमारे पास डेटा भी आने शुरू हो गए हैं और आज प्रेसिडेंट कावा के द्वारा ये फॉर्मली भी अनाउंस किया गया है। तो एक बार इस पहल के लिए हम उनके आभारी हैं और साथ में जो डेप्थ प्रोटेक्शन स्कीम है जिसके तहत मैम ने बताया है कि वैसे तो कावा के अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स हम रन कर रहे हैं लेकिन इस सबसे अलग हटके जो हमारे सीआरपीएफ के कार्मिक जो शहीद होते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनकी फैमिली मेंबर्स या विडोज जो कि किसी न किसी तरह के ऋण के तहत वो दबी रह जाती हैं और जो उनको फैमिली पेंशन मिलते हैं वो राशि पर्याप्त नहीं होती उनके घर को चलाने के लिए। तो ये एक पहल की गई है एक स्कीम के तहत कि क्यों हमारे पास जो कावा की जो बजट है उसमें से जो भी संभावित हो सके उस बजट का उपयोग करके हम ऐसे फैमिलीज को जो इस तरह के ऋण के कारण उनके बच्चे जो अपने जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं उनको ऐसे स्कीम के तहत मदद की जा सके। तो बहुत जल्द इस स्कीम की शुरुआत हो जाएगी और आप सबको इसकी फॉर्मली सूचना भी दे दी जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर जैसा प्रेसिडेंट कावा ने बताया कि पिछले लगभग 1 महीने से स्थापना दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण, खेलकूद एवं समाज सेवा, इन 3 विषयों पे जितने भी रीजनल कावा हैं उनको यह आग्रह किया गया था कि आप इन 3 विषयों से संबंधित कार्यक्रम अपने अपने संस्थानों में करें जहां स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, फ्री मेगा मेडिकल कैंप एवं योगा शिविर लगाए गए तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। वहीं खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करवाया गया जिसमें महिलाएं एवं बच्चों द्वारा ही बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया गया। समाज सेवा गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्रीय कावा द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, दवाइयां, लेखन एवं पाठन सामग्री, राशन तथा फ्रिज का वितरण किया गया। खेलकूद गतिविधियों के लिए बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वितरित किए गए। वहीं वृद्धा आश्रम तथा अनाथ आलयों में जलपान आदि का भी आयोजन किया गया। अतः सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है सीआरपीएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों में स्थापना दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों की एक झलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से।
थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने देखा कि सारे रीजनल कावा ने कावा रेजिन डे के अवसर पर पिछले एक महीने से कितने हर्षोल्लास एवं जोश से पूरे कार्यक्रम को किया है, और इस कार्यक्रम में उस परिसर के महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी लोगों ने बराबर हिस्सेदारी अपनी निभाई है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि 22 जून जो कावा की रेजिन डे थी, जिसके तहत ये सारे जो भी संस्थान हमारे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और साथ में जितने रीजनल कावा है, किसी कारणवश एक दिन पहले अनावश्यक एक रूप से ये कार्यक्रम नहीं हो सका, क्योंकि उड़ीसा में एक घटना घट गई थी और उस दुखद घटना में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो उन शहादत को ध्यान में रखते हुए कावा का रेजिंग डे सेलिब्रेशन 22 जून को नहीं हो पाया था। प्रेसिडेंट कावा की तरफ से उस कार्यक्रम को उस दिन के लिए पोस्टपोन करा दिया गया था, लेकिन अब आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अपने सेलिब्रेशन की तैयारी आपने कर रखी थी, आप अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो प्रोग्राम सिंबॉलिक रूप से कर सकते हैं। प्रोग्राम के अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, चूंकि पिछले एक साल में जो लास्ट कावा रेजिंग डे से लेकर अब तक का कावा न्यू दिल्ली और साथ में रीजनल कावा जो भी स्टेशन है, और 65 रीजनल कावा, आपको पता है कि पिछले जो 47 रीजनल कावा थे लास्ट ईयर, हमने कुछ और कावा को जोड़ा था उसमें, और आज के डेट में हमारे पास 65 टोटल रीजनल कावा संचालित हैं। और इन सभी के द्वारा पिछले एक साल में अध्यक्षा महोदय के दिशा निर्देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया गया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कावा अध्यक्षा श्रीमती संगीता सिंह, जो कि खुद भी एक शिक्षिका हैं, उन्होंने अपने दैनिक जीवन की अति व्यस्तम दिनचर्या में से भी समय निकालकर कावा की गतिविधियों को निरंतर जारी रखने में अपना अमूल्य समय दिया है, और साथ में उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ही तथा उनके सहयोग एवं स्नेह के लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। उनके द्वारा पिछले एक वर्ष में कोविड जैसी महामारी की स्थिति में भी कावा का ध्येय सार्थक सहयोग सर्वदा को चरितार्थ करते हुए कावा के कार्यक्रमों को ऑनलाइन आयोजित करवाया गया। कावा अध्यक्षा के मार्गदर्शन पर ही पहली बार बच्चों के लिए वर्चुअल आर्ट कंपटीशन, सीआरपीएफ की घरेलू महिलाओं के लिए वर्चुअल फोक डांस कंपटीशन, सानिध्या पत्रिका में प्रकाशन हेतु पहली बार मैगजीन कवर पेज कंपटीशन तथा क्षेत्रीय कावा केंद्रों में विलुप्त हो चुके खेलों को बढ़ावा देना जैसा कार्यक्रम किया। अध्यक्षा कावा अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर क्षेत्रीय कावा श्रीनगर, सोनीपत, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल रोहिणी, कावा शॉप संपूर्णा, क्षेत्रीय कावा नई दिल्ली, गुड़गांव तथा हीरानगर, आरटीसी पेरिंगम एवं ग्रेटर नोएडा का भी दौरा किया और तथा वहां संचालित कार्यों का जायजा भी लिया। अतः अब आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है विगत एक वर्ष में कावा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कावा तथा क्षेत्रीय कावा केंद्रों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की एक झलक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से।
लिए कदम चूम के, हे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, नदी डोली राह बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight. करिए नस नस मेरी खोदे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। कितना है दम जम के रखना कदम मेरे साथिया शाला, 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 शाला। आ देखे जरा किस में कितना है दम जम के रखना कदम मेरे दम दम दम।
आज के विषय सामाजिक उत्तरदायित्व पर जानकारी तथा अपने सुझाव देने के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता डॉक्टर रेखा विनय बरहते जो इस समय ग्रुप केंद्र नागपुर में मौजूद हैं तथा हमारे बीच वेबिनार के माध्यम से भी जुड़ी हुई हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती कीर्ति जम्बोलकर, पत्नी श्री पी आर जम्बोलकर, डीआईजी सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र नागपुर से कि वे मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा विनय बरहते से के संक्षिप्त परिचय सभी सदस्यों एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं, साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने प्रस्तुति एवं विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती कीर्ति जम्बोलकर मैम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। थैंक यू युवराज। नमस्कार आदरणीय कावा अध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंह, सभी जोनल हेड्स, इस कार्यक्रम की मेंटर श्रीमती रूपी चतुर्वेदी जोनल हेड साउथ जोन, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, सभी सेक्टर हेड्स, सभी के क्षेत्रीय कावा हेड्स एवं सारी कावा सदस्यों का मैं कीर्ति जम्बोलकर, क्षेत्रीय कावा अध्यक्ष ग्रुप केंद्र नागपुर, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं वेबिनार से जुड़ी
सभी सीआरपीएफ के कार्मिक को उनके परिवारजनों एवं बच्चों का भी स्वागत करती हूँ। आज इस अहम सामाजिक उत्तरदायित्व विषय पर व्याख्यान सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां भले ही सुनने में एक सामूहिक कार्य लगता है, परंतु ये हम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और इसी विचार से हम अब सब मिलकर हमारे समाज को एक बेहतर बना सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज की वक्ता डॉक्टर रेखा विनय बाराहते, जो कि अनेक उपलब्धियों की स्वामिनी हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, बीएससी, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी आदि। आजकल ये महाराष्ट्र राज्य की महिला एवं बाल अधिकार एवं विकास आयोग में कार्यरत हैं। वे नागपुर पुलिस कमिश्नरेट में सामाजिक सुरक्षा समिति की सदस्य भी हैं। यौन उत्पीड़न समिति, जिसमें रायसोनिक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज, रेशम विभाग से भी जुड़ी हैं और एक सक्रिय मेंबर हैं। आप डायरेक्टर ऑफ 1098 चाइल्ड लाइन नागपुर विभाग का भी कार्यभार देख रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान से हम सभी को एक सकारात्मक लाभ मिलेगा। अब मैं डॉक्टर रेखा बाराहते से अनुरोध करती हूं कि वे हमें अपने विचारों से अवगत करें। थैंक यू। धन्यवाद कीर्ति जी। आज आप हम सभी जन यहाँ पे 27th वर्षगांठ जो है आपका कावा का, उसकी मैं आप सभी को पहले शुभकामनाएं देती हूँ। और उस कार्यक्रम की श्रृंखला में, व्याख्यान श्रृंखला में आज के उपस्थित आदरणीय कावा के प्रेसिडेंट मिसेस संगीता सिंह जी, रीजनल कावा प्रेसिडेंट कीर्ति जांबुड़कर जी, वाइस प्रेसिडेंट ओम प्रभा जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी ऑफिसर्स, लेडी वाइफ्स, जवान और सभी उपस्थित परिवारजन, सभी का सभी जन को मैं एक ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सब इकट्ठा हुए हैं और मेरा आप सभी को नमस्कार। एक मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपका कावा का पूरा जो हम देख रहे थे, कैलेंडर देख रहे थे, उसमें समझ में आ रहा था कि कावा की तरफ से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही एक्टिविटी जो है वो चलाई गई है। बहुत ही सभी उपक्रम बहुत ही अच्छी तरह से कावा के सभी मेंबर्स ने जो है वो पार्टिसिपेट करके वो करे हैं, तो उन सभी का मुझे लगता है कि एक बार सभी का एक हम लोगों ने स्वागत भी करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल वे में हम लोग जब काम करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी होता है और वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। हम ये विषय में मैं पहले थोड़ा मैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं डॉक्टर रेखा विनय बाराहते, मेरा हम लोग फैमिली काउंसलिंग सेंटर नागपुर जो पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से चलाया जाता है, 1996 से हम ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं महिला और बाल कल्याण में, और एनजीओ जो है बापूजी बहुजन समाज कल्याण बहुउद्देशीय संस्था, उसकी तरफ से हम लोग ये सब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाते हैं, जिसमें चाइल्ड लाइन 1098 एक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। एनजीओ के बारे में एकदम संक्षिप्त में बताऊंगी कि 1994 में हमने संस्था का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद इसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू रखे हैं और हमारी जो एडवाइजरी कमिटी है उसमें सब लीगल प्रैक्टिशनर से, एकेडमिक से, ट्रेनर से, काउंसिलर से, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, इंटरप्रिनर्स भी है, जिसके कारण समाज के कोई भी हिस्से से कोई आता है अपना प्रॉब्लम लेके आता है तो वो उनको हम मदद कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे, तो वो रजिस्ट्रेशन के तहत हम लोग काम करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट जो चलते हैं वो फैमिली काउंसिलिंग सेंटर, चाइल्ड लाइन 1098, लीगल एड का हम रेगुलर वे में काम करते हैं, उसके अलावा महिला बचत गट उनके लिए हम लोग काम करते हैं, और
इसके माध्यम से 1996 से हम जब काम कर रहे, तो नंबर ऑफ केसेस को हम लोगों ने देखा है, और हर बार यही ध्यान में आया है कि फैमिलीज में क्यों तनाव आता है, ये जो हमने देखा है तो ध्यान में आ जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक शब्द आता है, किसकी क्या जिम्मेदारी, उसके बारे में हम जब सोचते हैं तब जाके ऐसे लगता है कि यहाँ पे हर एक जन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप समझेंगे कि सामाजिक दायित्व क्या है, हमारा समाज के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व क्या है। अभी हम एक देख रहे हैं, एक ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब के आजू बाजू में जो पूरा इकट्ठा हुए लोग हैं, तो ये ग्लोब है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सब सिर्फ भारत में ही सामाजिक दायित्व की काम हुआ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे ग्लोब में यानी पूर्व विश्व में ये जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का जो जो काम है वो चलता है, वो डिपेंड करता है कौन कैसे किस तरह से वो काम करते जाता है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुझे ऐसे लगता है, जैसे कि हम जब बात करते हैं हमारे यहाँ की, हमारे भारत देश की हम जब बात करते हैं, तो हमारे संतों ने हम लोगों को या हमारे जो जो मॉडल है पहले वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हमने कैसे कैसे हमने क्या करना चाहिए कि जिसके कारण समाज के हम काम में आ जाएंगे। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि हम सिर्फ हम ही लोग काम कर रहे हैं क्या, पर हम जब अमेरिका या और बाकी देशों को जब देखते हैं तो उनका जो है काम करने का तरीका एक अलग तरीके से काम करने का तरीका है, दैट इज वेरी मच इन अ प्रोफेशनल वे में भी वो लोग काम करते हैं, जिसके कारण उसका फायदा जो है समाज को बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से होता है। हम लोग जो काम करते हैं वो एक थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि कभी कभी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम एक दायरे में बंद कर देते, जस्ट ओनली फॉर अवर फैमिली, ऐसे टाइप में कभी कभी हम लोगों का काम चलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उसके आगे हम लोगों को अभी जाना है, और वो तरीके से हमको हम कैसे काम करेंगे उसके लिए भी हमको देखना है। तो हम ये सामाजिक दायित्व क्या है इसका एक हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि वो हम कैसे, जैसे कि हमने लिखा है कि सामाजिक जिम्मेदारी एक नैतिक ढांचा है जिसमें एक व्यक्ति समुदाय के लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के और संगठन के साथ काम करने और सहयोग करने के लिए बाध्य होता है, जो उस दुनिया को विरासत में देगा जो व्यक्ति पीछे छोड़ देता है। सामाजिक जिम्मेदारी कर्तव्य है जिसे हर व्यक्ति को बनाए रखना होता है। ये है एक सामाजिक जिम्मेदारी यानी क्या, इसका एक डेफिनेशन अपन एक बहुत ही शॉर्ट इसमें अपन इसको रख रहे हैं। अपन एक देखते हैं कि एक पिरामिड है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक दायित्व का क्या है? एक पिरामिड है, जैसे नीचे से हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी प्रॉफिटेबल। हम सभी लोग सुनते हैं आजकल कि CSR फंड करके हम बहुत बार सुनते हैं CSR फंड, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड जो है ना हमको बहुत पहले ज्यादा इसके बारे में हमको ध्यान भी नहीं था, अभी अभी हम ये वर्ड को बहुत ज्यादा सुनने लगे हैं। उसके बाद हमारा आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों को हमारे जो लॉज बने हुए हैं वो लॉज को हमको फॉलो करना है। लॉ जो भी बनते हैं वो तोड़ने के लिए नहीं बनते हैं, वो उसको फॉलो करने के लिए बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है कि लॉज अगर एक हम जब बोलते हैं कि सामाजिक हमारा दायित्व जब हम निभाने चलते हैं तो हमको एक डिसिप्लिन रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसके लिए हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट, पहले के जमाने में कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता था कि जिसके तहत लोग बोलते थे कि हाँ इसी तरह से हमको जाना है, इसी तरह से हमको रहना है, पर वो कुछ कंडक्ट बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही जाचक थे, उसको बोलेंगे कि बहुत ही उसके अंदर रह के उनका कोई भी प्रगति नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन दिए गए हैं महिलाओं के ऊपर कि उसको कोड ऑफ कंडक्ट वो टाइम का वो एक लीगल लॉ टाइप था, लॉ था वहां का तब का कि उसके अंतर्गत ही महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं जैसे हम एक मनुस्मृति में आता है कि बचपन में जो लड़की है उसके ऊपर उसके पिताजी का ही कंट्रोल रहेगा, शादी हो जाएगी तब हस्बैंड का कंट्रोल रहेगा, जब वो थोड़ा एज इसमें आती है तब उसके बच्चों उसको कंट्रोल करेंगे। यानी एक लेडी को यानी उसका खुद का एक फ्रीडम कभी उसको रहेगा ही नहीं, ये टाइप का कंडक्ट ये था लॉ था। पर अभी हम क्या देखते हैं कि इक्वेलिटी वाला फैक्टर आ गया है कि जिसमें हम लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर सक रहे हैं। हम जब देखते हैं कि हमारे कानून जो है पहले के जो कानून थे, कानून को हमको सभी को ध्यान में आ रहा था कि ये कानून फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जब भारत
का संविधान बनाया तब हमें हम लोगों को पता चला कि हमारे लिए क्या कानून और हमने फंडामेंटल राइट्स है हमारे लिए उन्होंने दिए, बाद में हमको ड्यूटीज क्या है वो बताइए। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि भारत का संविधान का हम जो एक पढ़ेंगे अभी, इसमें किसी देश का नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे प्रथा या कानून के तहत राष्ट्र के कानूनी सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है या उसकी सुरक्षा के बदले में सरकार के प्रति निष्ठा होती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। एक नागरिक देश के प्रमुख स्तंभों में से एक है। वे एक राज्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के दिए गए सभी कानूनी अधिकारों और विशेष अधिकारों का आनंद लेने के हकदार है और इसके कानूनों का पालन करने का और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य है। हम सभी अपने देश के नागरिक हैं और अपना समुदाय, राज्य और देश के प्रति कई अधिकार और जिम्मेदारियां रखते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग, हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जिम्मेदार जो नागरिक है, उसने अगर संविधान को भी, उसकी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोगों ने अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो सामाजिक दायित्व है वो हम बहुत अच्छी तरह से निभा सकेंगे। जैसे कि हम जिम्मेदार नागरिक जो बोलते हैं तो जिम्मेदार नागरिक कहने क्या, देश के सभी कानून और व्यवस्था का जो पालन करता है, सभी मौलिक अधिकारों का और कर्तव्य का पालन करने के हकदार है। जैसे वोट डालना, सरकारी करों का भुगतान करना और देश को भ्रष्टाचार से बचाना, ये भी हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश का एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी को गतिविधियों में शामिल होना चाहिए या पर्यावरण को साफ रखने, दान के लिए धन जुटाने, बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण या सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने में सहायता करनी चाहिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मैं इसमें एक बात करूंगी, जैसे कि हमारा, हमने यहाँ पे बोला है कि हमारे पर्यावरण का रक्षा करना ये हमारी एक जिम्मेदारी है, तो हम वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाते हैं क्या, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। हम हमारे यहाँ जो भी हम लोग अभी देखते हैं, हम कहीं पे भी जब जाते हैं, कोई गार्डन में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, वो टाइम में हम हमारे टिफिन लेके जाते हैं या प्लास्टिक बॉटल्स लेके जाते हैं पानी पीने के लिए, हम क्या करते हैं, वहां पे पूरा गंदा करके हम लोग आ जाते हैं। हम पर्यावरण को कितना, उसके लिए हम कितना कटिबद्ध है, बहुत ये सोचने वाली बात है ऐसा मुझे लगता है। दूसरा ऐसा है कि जब ये हम सभी जगह से हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं करना, वो बहुत ही हानिकारक है, जिसका डिस्पोजेबल होता नहीं, वो कितने सालों तक डिस्पोजेबल होता नहीं, ये हम सभी को पता है। उसके बाद भी हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक्स यूज करना अभी तक हमने छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक जिम्मेदार अगर नागरिक है तो जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी हमें निभाना पड़ेगा और ये बात को हमको अपने इसमें लाना पड़ेगा, वो उसको यानी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, हमारे जो बच्चे हैं उनको हमको, दैट इज हम उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वे में हम जब जाएंगे तो हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही गंदा है, ये हमारे यूज का नहीं है। तो घर में वो एक तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि तुम घर में लाओ ही मत प्लास्टिक, अपने घर में लाओ ही मत, जिसके कारण उसका जो उपयोग है वो ही बंद हो जाएगा, या तो फिर अगर सपोज लाते हो तो उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना वो अपने को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि ये है कि पर्यावरण साफ करने के लिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी हम सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना, कैसे, किस तरह से हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उसके लिए कलेक्टिवली हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कितना पेड़ लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने कितना पेड़ लगाना चाहिए। अभी बीच में एक चार्ट आया था, यानी पूरा ग्लोब का आया था कि जिसमें सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो कनाडा, ये जो देश है ये लगा रहा है सबसे ज्यादा। उनका एवरेज यानी उनका जो एक कैलकुलेशन आया था कि एक आदमी के पीछे कम से कम मोर देन 1000 झाड़ वो लोग लगाते हैं। हमारे यहाँ का जो परसेंटेज है वो इतना निग्लिजिएबल है कि बहुत ही खराब लगा वो पढ़ने के बाद। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम यानी पेड़ काटना बहुत ही आराम से कर देते हैं, यानी बहुत बार ऐसे एक हम एक जिम्मेदार नागरिक अगर बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारे बाजू में किसी का पेड़ लगा हुआ है और उसके पत्ते अगर हमारे घर में गिर रहे हैं तो हम पहला काम क्या करते हैं कि वो झाड़ को काटो क्योंकि वो पत्ते मेरे घर में आ रहे हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि एक नीम का झाड़ 20 एसी का काम करता है, ये हम नहीं सोचते हैं। आप कभी भी धूप में निकल जाओ, आप एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े रह के देखो आप कितना ठंडक महसूस करते हो,
और आपको अगर लगता है कि ये बराबर ये गलत है कुछ तो भी, तो आप नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और बाद में दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, आपको डिफरेंस जल्द तभी के तभी पता चल जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्यावरण का जो है ये इसको प्रोटेक्ट करना ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। अभी इसी बात को लेके हम थोड़ा सा थोड़ी सी बात हम ये करेंगे कि जैसे कि हम जब भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम लेते हैं, दैट टाइम क्या होता है, वृक्षारोपण के कार्यक्रम के टाइम हमने ये देखा है कि एक जन कोई तो भी लगाने जाता है, उसके बाद 10 जन वहां पे आके देखते जाते हैं और वो रियली जिनको पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो लोग 10 लोग वहां आके हम लोगों को मदद करते हैं और वो लगाते हैं। एट द सेम टाइम हम बोलेंगे कि कोई जो लोग है नीम के पत्ते सुबह खाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए वो मॉर्निंग वॉक को जाते टाइम नीम के पत्ते जो छोटे छोटे पेड़ रहते उसके नीम के पत्ते खाते कि वो पेड़ को पूरा दबा देते और उसको खत्म कर देते। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जिम्मेदार होने का जो हमारा एक हम नागरिक बनना अगर है हमें छोटी छोटी बातों से हमको बहुत बड़े काम बहुत सारे काम हमको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अभी हम जब बोलते हैं कि हमारी नैतिकता सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता क्या है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी एक नैतिक सिद्धांत है जिसमें हम व्यक्ति नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए जवाबदेह होते हैं और किसी व्यक्ति के कार्यों को पूरे समाज को लाभान्वित करना चाहिए। इस तरह आर्थिक विकास और समाज और पर्यावरण के कल्याण के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि इस संतुलन को बनाए रखा जाता है तो सामाजिक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो दैट इज इंडिविजुअल के लिए हम बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी नागरिक जिम्मेदार नागरिक कैसे रहना चाहिए। फिर अभी हम बात करते हैं कि हमारी नैतिकता क्या है, हमने क्या करना चाहिए। हम जब एक साथ सब आके जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोगों ने मिलकर अगर ऐसे डिसाइड कर लिया कि हमें एक बहुत ही यहाँ पे जो भी छोटे सी जगह सपोज हमको उसे अभी क्या करना है कि यहाँ पे जंगल बनाना है, तो हमने वो जंगल किस तरह से बनाना है, इसके लिए हम अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में जाते हैं जैसे कि जापान का एक मियामी नाम का एक टेक्निक है उनका कि कैसे जंगल बनाया जाता है, अगर वो टेक्निक थोड़ा सा भी हम लोग सभी जन मिलके अगर वो उसको एडॉप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग हमारा पूरा जो एरिया है उसको हम बहुत अच्छे से ग्रीन कर सकते हैं। आप सभी को अभी पता है कि मैं फिर से पर्यावरण के लिए इसलिए बोलूंगी क्योंकि उसको रिलेटेड बहुत सारी बातें आ जाती है। जैसे कि ये सीमेंट रोड अभी बनना जो चालू हो गया उसमें हमें आप सभी को पता है कि कितने झाड़ कटवाए गए, पुराने पुराने झाड़ कटवाए गए, उतने झाड़ बनने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, सालों साल लग जाएंगे। और हमारे यहाँ हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं, हम लोग कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछते, ये हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, हम कभी किसी को क्वेश्चन भी नहीं करते कि पीपल का झाड़ अगर कोई काट रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये पेड़ जो है ना आप पूरा उसके जड़ से आप निकालो, दूसरी जगह पे आप उसको लगा सकते हो क्योंकि वो लग जाता है। ये टेक्निक्स फॉरेन में है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, ये सवाल भी हमको पूछना चाहिए। ये भी मुझे लगता है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे टाइप का होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा आप सभी हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी को एक विनती भी है कि हमें ये जिम्मेदारी में हम लोगों को निभानी पड़ेगी। नॉट ओनली कि हमारी फैमिली तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर समाज के लिए भी हम लोगों को काम करना है, तो डेफिनेटली हमको इस बात बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि एक पेड़ हमको क्या देके जाता है, तो उसमें आर्थिक विकास भी आ जाता है, आर्थिक विकास भी होता है। तो ये सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अदरवाइज कुछ दिनों में हमारा जो एरिया है जो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ हम ज्यादा अवेयर नहीं है इसको पर्यावरण को लेके, तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि अभी अभी सीमेंट के जो रास्ते बने हैं उसके बाजू वाले जो पेड़ है सीमेंट रास्तों के कारण क्या हो रहा है कि उसका हम लोग देख रहे हैं कि इतना उसका डेप्थ और पूरा सीमेंट रहता है, बारिश आ रही है पानी पूरा निकल के जा रहा है, कहीं पे भी वो ये नहीं हो रहा है, नहीं रुक रहा है। बाजू वाले जो झाड़ है उसको पानी कब जाएगा, कब मिलेगा, डेफिनेटली वो कभी ना कभी मरने वाला है वो झाड़। तो जो पेड़ पे जो रोड पे आज झाड़ लगे हैं वो भी कुछ दिनों में चले जाने वाले हैं। नेक्स्ट, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और नैतिक का क्या मतलब है। सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धांत नैतिकता की एक प्रणाली पर है जिसमें निर्णय और कार्यों को आगे बढ़ाने से पहले नैतिक रूप से मान्य किया जाना चाहिए। यदि कार्रवाई या निर्णय से समाज या पर्यावरण को नुकसान होता है तो इसे सामाजिक रूप से गैर जिम्मेदारों को माना जाएगा।
नैतिक मूल्य जो समाज में अंतर निहित है, सही और गलत के बीच अंतर पैदा करते हैं। इस तरह सामाजिक निष्पक्षता को सही में माना जाता है, लेकिन इस निष्पक्षता की तुलना में अधिक बार अनुपस्थित नहीं है। इस प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस तरीके से कार्य करे जो समाज के लिए फायदेमंद हो, न केवल व्यक्ति के लिए। कोई भी काम जो है वो डेफिनेटली आप लोगों ने ये पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो हमारे पूरे समाज के काम में अगर आ जाता है तो समाज की प्रगति होना कहीं पे भी रुकेगी नहीं, वो बहुत ही बढ़ती जाएगी वो, है ना। तो अभी हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग बहुत ही एक बीच वाला ऐसा एक पीरियड आया था कि जिसमें एक हमारा फैमिली, बस हमारे फैमिली के अलावा हम बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, ऐसा वाला जो एक मैटर आया, बीच वाला पीरियड था। अभी फिर से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़े से लोग थोड़ा बाहर निकलना चालू हो गया है। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक फैमिली का लड़का अगर पढ़ता है कि पेरेंट्स उसको बोलते कि आप पढ़ो लिखो, फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे बहुत पैसा कमाओ, और फिर वो पैसा कमा के तुम क्या करो कि हम लोगों के लिए यहाँ पे जो भी कुछ है वो बहुत अच्छा घर बनाओ, गाड़ी दो, वो सब कुछ। फाइनली क्या होता है कि एट द एज ऑफ 60-65 में फिर आता है कि अरे बच्चे हमारे पास नहीं रह रहे, हम बहुत अकेलापन सह रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अकेलापन सहने का रीजन क्या है? क्योंकि हमने क्या किया कि हम एक चौकट में बहुत सालों तक रहे, हमने बाकी जो लोग हैं, बाकी का समाज है, उसके साथ हमने ज्यादा कनेक्शन नहीं रखा। और फिर अभी अभी मुझे लगता है कि आई एम नाउ, मैं अलोन हूँ, मैं अभी अकेली पढ़ रही हूँ, तब जाके फिर मुझे याद आती है कि चलो मैं सभी के साथ मैंने ये करना चाहिए, तो वाई नॉट, अभी से क्यों नहीं स्टार्ट करें। थोड़ा 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 करके हमने सामाजिक कार्यों में अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम पीरियड हम एक बहुत एक अच्छे तरह से हमारा एक ग्रुप बना के जो भी अच्छे कार्य करना है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी भी संगठन को सामाजिक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। देखो अभी तक हमने जो बात किया वो अभी तक इंडिविजुअल के लिए हम बात कर रहे थे, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि संगठन यानी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं। एक आधी फैक्ट्री है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि वो लोग CSR फंड की जरिए से गरीब लोगों को मदद करना, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चलते हैं। तो जैसे एक जन के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया है, पर वो सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा एक साथ करके नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, वो पैसा जो जरूरतमंद है उनके साथ वो शेयर करेगा, उनके साथ उनकी जो भी नीड्स है उसके लिए वो कुछ अंश में उसको ये करेगा, उसके साथ वो कंट्रीब्यूट करेगा। अभी हम लोग हरदम ये देखते हैं कि ये बात जो है 2013 का ये जो लॉ है इसमें अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद 2014 से ये कंपलसरी हो गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो फैक्ट्रीज है, जो प्रॉफिट उनको जो कमाते हैं, जिनको कारखाने से उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है उसमें का 2% उन्होंने सामाजिक दायित्व के लिए देना ही चाहिए, कंपल्शन हो गया है। पहले ऐसा कंपल्शन नहीं था, जिसके कारण लोग क्या करते थे कि वही पैसा जो है उनका, जो उनका वो जो प्रॉफिट होता था वो यहाँ यहाँ अपने ही इसमें कहीं तो भी उसको यूज करके उसको अलग अलग नाम दे के उसको यूज करते थे, पर नाउ इट इज कंपल्सरी कि उनको देना ही देना है। तो इसमें अभी जैसे हम बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी मैंने बोला टाटा, महिंद्रा टेक, ये लोग जो प्रोग्राम्स लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है या फिर गांव में जाके अच्छा पानी का उपलब्धि करके देना, या पर्यावरण के संदर्भ में भी वो काम करते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, ये तो हम लोग भी करते हैं, सभी जन मिलके भी हमारा दायित्व करके हम लोग करते हैं। बाद में गरीबों को अनाज देना, जैसे अभी आप सभी ने देखा है कि अभी कोविड के पीरियड में जो जितने भी फैक्ट्री, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, इन सभी को कंपलसरी किया गया था कि आपने आपका जो फंड है वो CSR में आपने कन्वर्ट करना है, जिसके कारण बहुत सारा फंड गवर्नमेंट के पास जमा हो गया था, जिसके कारण बहुत अच्छे जो प्रोजेक्ट्स है वो भी चले और बहुत लोगों को उसके कारण मदद भी हो गई। जैसे अभी अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में हम जब बोलते हैं, अभी मैंने जो बोला है वही सेम उसमें हमने लिखा है उसमें कि उसमें अगर हम ये CSR फंड है उसके जरिए हम शिक्षा, गरीबी, लैंगिक समानता और भूख जैसे क्षेत्रों में अपने मुनाफे का निवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड के पीरियड में
एक्चुअली कंपलसरी वो हो गया था कि आपको ये करना है, तो उसमें बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट ने यूज किया था या कॉर्पोरेशंस में इन्होंने भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी दिया था। तो पर एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदारी में जैसे हम बोलेंगे कि कोको कोला, आप सभी को पता है ये कोको कोला जो ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री हमारे ये तो फॉरेन की थी, अमेरिकन ये था, तो ये लोगों ने इंडिया में उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना कारखाना जो थे फैक्ट्री जो थे स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम ये आ गई वहां पे कि वहां पे पानी लोगों को मिलना बंद हो गया, क्योंकि ये इनके जो प्रोजेक्ट था इसका कोको कोला बनाने का, देखो हम लोग कितना एडवर्टाइज देख के कोको कोला लेते हैं ना, कौन कौन करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं और हम बहुत ही उसको एक ये करके लेते हैं, पर उसके पीछे का एक अगर सत्य भी देखा जाए तो दैट इज ये है कि उसके कारण प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां पे पानी खत्म हो गया, खेती को पानी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण लोगों का जो वहाँ के जो किसान थे उनमें प्रॉब्लम आना चालू हो गया, औरत उनको 5-5 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था, जो कि जो फैक्ट्री से कोको कोला की बॉटल्स जो है वो ट्रक में लोड होके बाहर निकलती थी शहर की तरफ या और कहीं उनको जहाँ बेचना है वहां पे, पर यही एक लेडी को 5 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता था। तो वहां पे एक मास्टर करके है, उन्होंने एक एक्टिविटी, उन्हें एजिटेशन चालू हो गया, 10 दिन तक वो एजिटेशन चला। उनका ऐसा कहना था कि हम लोग जो कोका कोला पी रहे हैं वो कोको कोला नहीं, वो फार्मर्स का ब्लड हम लोग पी रहे हैं, तो हम इसके पीछे तो जाते ही नहीं ना, ये कोई भी जब कुछ और एट द सेम टाइम ये जो कोको कोला जो एक इनका मैनेजमेंट था, इनको कोई सामाजिक जिम्मेदारी का उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बस पैसा इकट्ठा करना, प्रॉफिट लेना, बस इतना ही उनका एक ही वन एंड वन मोटो था। तो जिसके कारण उनकी फैक्ट उनका जो यहाँ का अपने इंडिया से उनको बंद किया गया और फाइनली उनको कितना सारा नुकसान उनको सहना पड़ा, बिलियन में उनको नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि ये जो पेप्सी और कोको कोला था इसमें जो लीड यानी जो हमारे शरीर को घातक ऐसी सब चीजें उसमें जा रही थी, और वो क्या करते थे कि वो वहाँ उसका जो वेस्ट निकलता था तो वो आजू बाजू के जो आदिवासी किसान थे उनको वो एज अ क्या बोलेंगे उसको खत करके यानी जो हम इसमें यूज करते हैं ना खेती में, तो वो करके उसको उनको दे रहे थे, और इनको लग रहा था कि अरे बाप रे कि ये फैक्ट्री वाले कि हमको तो क्या कितनी मदद कर रहे, पर एक्चुअल में ऐसा था कि वो पूरा वेस्ट उनको दे रहे थे, जिसके कारण उनका जो जमीन है वो भी बंजर होना चालू हो गया था। तो इसका अवेयरनेस किसने लाया, एक जो एक्टिविस्ट थे मास्टर थे उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई, और हमारे यहाँ के मुझे लगता है कि हमारी हेल्थ के बारे में उन्होंने हमारी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा कि यानी वहाँ पे आजू बाजू वाले रहने लोगों के हेल्थ का क्या होगा, उनको कोई लेना देना नहीं था, तो उसके कारण मुझे ऐसे लगता है उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको मैं कम से कम अच्छा पानी तो दे दूँ, पीने के लिए अच्छा पानी तो प्रोवाइड करूँ, वो भी उनके दिमाग में नहीं आए, बस वन एंड वन मोटो था कि प्रॉफिट कमाना। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे जो भी कंपनीज है ऐसी कंपनीज को कभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, पर उसके लिए हम लोगों ने अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर वो फिर से हमारी सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है कि कोई गलत हो रहा है तो उसके पीछे अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे शांत बैठेंगे तो कैसे होगा, बहुत ही गलत 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 चलते जाएगा। नेक्स्ट, इसमें फिर हमारा लीगल जो है जिम्मेदारी वो भी आती है, जैसे हमें हमारे संविधान में भी बोला गया है कि हमने लॉ फॉलो करना चाहिए, हमने लॉ अबाइड पर्सन रहना चाहिए, हम करते हैं क्या, हम कितने रूल्स कितने सारे रूल्स बने हुए हैं हम कितने फॉलो करते हैं कितने तोड़ देते हैं। मैंने उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे लगता है मैं फिर से वही एग्जाम्पल दोहराऊंगी फिर से जस्ट कि हाउ टू यानी हमारे बच्चों में अगर हमको आना है कि लॉज को फॉलो किया जाए, ये बात किसको करनी पड़ेगी, हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ मोटरसाइकिल से, मेरा बच्चा सामने बैठा हुआ है, लॉ ट्रैफिक लॉ क्या बोलता है कि रेड सिग्नल लगा है तो उसको क्रॉस नहीं करना, रुक जाना, तो हम क्या करते हैं बच्चे को लेके सिग्नल को तोड़ के आगे निकल जाते हैं, तो बच्चा क्या समझता है कि ऐसे ही करना चाहिए। क्या हमने बच्चे को क्या दिया, कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको दी या कानूनी जिम्मेदारी भी हमने उसको क्या दी, कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये भी ये सब चीजों के ऊपर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी लॉ जो बनते हैं वो अननेसेसरी नहीं बनते हैं, यानी
किसको लगा और लॉ बना दिया, ऐसे नहीं रहता है, उसके ऊपर पूरा स्टडी होता है, उसके बाद ही लॉ बनता है कि जो समाज के लिए जो महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि एक 498A अभी बना हुआ है आईपीसी में, वो भारतीय दंड विधान में वो एक 498 ऐड किया गया। पहले सिर्फ 498 था, बाद में जब समाज में लड़कियों को दहेज के लिए जलाया जा रहा था तब जाके ऐसे समझ में आ गया कि ये संख्या बहुत बढ़ रही है, लड़कियां मर रही है दहेज के लिए, तो इसके लिए कुछ तो भी हो जाए। उसके लिए फिर से एक्टिविस्ट, इसमें यही होता है कि एक्टिविस्ट कोई आ जाते हैं तो ही जाके फिर उसमें काम हो जाता है। सर्वसाधारण जो लोग जो सभी जन रहते हैं वो उसमें कोई ऐड नहीं होता उसमें, क्यों, उनको ऐसे नहीं लगता कि हमारी भी जिम्मेदारी है, कितनी लड़कियां अगर जा रही है तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो तब जाके 498A इसमें ऐड किया गया भारतीय दंड विधान में। तो ये सब जैसे कि और एक वन मोर थी लॉ, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक ये भी औरतों के लिए आया। क्यों आया? एक ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक ही लॉ के अंतर्गत तुम्हें सभी औरतों को मेंटेनेंस मिलेगा, उनको उनके बच्चों की कस्टडी मिलेंगी, उनको उनके ससुराल के घर से निकाला नहीं जाएगा, उनको मेंटेनेंस भी मिलेगा, या फिर उनको जो भी ताने बाने सुनने पड़ते हैं तो उसका कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। एक ही लॉ के अंतर्गत ये सब सब कुछ मिलने वाला है। इसके लिए भी बहुत सारा जो वुमन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बहुत स्टडी किया, उसके बाद ये लॉ जो है वो 2005 से ये फिर से काम करने लगा। उसके ऊपर भी मुझे ऐसे लगता है अभी कि उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, देखो ये एक महिलाओं के लिए आया ये लॉ, पर उसको अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 2005 का लॉ है, अभी 2022 चल रहा है, 17 साल हो गए हैं, अभी भी एज पर द लॉ ऐसा है, एज पर द लॉ कि 90 डेज में वो लेडी को न्याय मिलना चाहिए, दो तीन तीन चार पाँच पाँच छः साल निकल जाते उसको जस्टिस नहीं मिलता है। इसके लिए भी अभी हम लोग बहुत सारे जन इकट्ठा आके उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी एक बदलाव आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अभी हमने जो भी सभी इसके बारे में अपन ने जो बात करे हैं कि हमने हमारा जिम्मेदारी हम कैसे निभाएंगे, है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम लोग सब साथ में नहीं आएंगे तब तक हम हमारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे फिर से मैं उसका ये करूंगी कि कैलेंडर में हमने जो देखा कावा के इतने सब लोग साथ में आए तब जाके तुम्हारी बहुत सुंदर एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने निभा पाए। ऐसे ही एक्टिविटी मुझे ऐसे लगता है कि अब हम लोगों को बाहर भी निभानी पड़ेगी और उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अभी हम लोग जो बात करते हैं कि इंडिविजुअल के बारे में कि ये सामाजिक जिम्मेदारी हम कैसे अच्छे से निभा पाएंगे, जब इंडिविजुअल यानी मैं खुद, सपोज मेरे मुझे अपने आप को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, खुद को कैसे बनाऊंगी, जब मुझमें अच्छी आदतें आएंगी तब जाके मैं एक अच्छा काम बाहर जाके कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे अगर झूठी बोलने की आदत लग गई तो मैं बाहर जाके काम कर सकूंगी, किसी के साथ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे सही और गलत का अंतर अगर नहीं पता चलेगा तो मैं काम कर पाऊंगी नहीं, मैं गलत आदमी गलत लोगों के साथ काम करना यानी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। यानी कोई गलत काम कर रहा है उसके साथ में जाके काम कर रही है तो वो दैट इज वो क्या हो गया, क्राइम हो गया, वो नहीं हमें करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छा ग्रुप बना के अच्छी क्या बोलते आदतें डाल के हम लोगों को ये काम को सामने बढ़ाना है। पर डेफिनेटली ये सब मुझे ऐसे लगता है कि एक अच्छा समाज तैयार होने के लिए हमारे बच्चों में हम लोगों को लाना पड़ेगा ये सभी चीज़ें। उसके लिए हम लोगों को सोशल होना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी वो कोका कोला का जो उदाहरण बताया, मुझे ऐसे लगता है ऐसे कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो हम पढ़ते भी नहीं और कुछ उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं। तो आप सभी को मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट जो अपना है संगठन परिवारों की सामाजिक जिम्मेदारी है, तो सभी यानी सब फैमिलीज अगर एक साथ आती है तो बहुत ही एक हम अच्छा कार्यक्रम हम कर सकते हैं और एक अच्छा समाज भी हम लोग डेफिनेटली हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने ये बोला है कि ये विश्व में हर एक के लिए बहुत सारी चीजें यानी हर एक का पेट भरने के लिए है इनफ है, पर अगर किसी का बहुत ही लालच रहेगी तो बिल्कुल ही
बिल्कुल ही नहीं है। फिर एक जन को ही अगर लगेगा कि मुझे ही सब कुछ चाहिए तो दूसरा तो भूखा ही रहना है, 100% रहना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यही लाइन पे हम लोगों को एक साथ सबको आके ग्रीड यानी क्या बोलेंगे लालच, ये छोड़ के हम लोगों को सभी का विचार करना है और हमारा सामाजिक दायित्व जो है वो बहुत अच्छे से निभाना है। और इसी के साथ मुझे ऐसे लगता है कि किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम उसके लिए तैयार है। किसी को कुछ लगता है? थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर रेखा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पे आपने जितने विस्तृत तरीके से हम सभी को हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इतनी बारीकी से बताया, तो आपके द्वारा यह लिया गया सेशन और प्रेजेंटेशन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब मैं वेबेक्स के माध्यम से जुड़े हुए जो भी रीजनल कावा सेंटर्स हैं या जो सीईसी मेंबर्स जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आज के की नोट स्पीकर के द्वारा दिए गए व्याख्यान एवं प्रस्तुति पे कोई भी सवाल अगर आप उनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर लोग जब तक इस समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा देंगे, एक जिम्मेदार समाज का निर्माण जब तक वो लोग इस एक जिम्मेदार समाज का निर्माण होना थोड़ा निर्माण होना थोड़ा कठिन है। तो मैम हमें क्या लोगों में एक स्वयंसेवी होने का हम लोगों में एक स्वयंसेवी होने का भाव कैसा प्रदान करें जिससे नागरिकों में नागरिक अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी जागरूक रहे। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि सामाजिक दायित्व ये पहले तो हमको अपने घर से ही अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे घर में ही हम देखते हैं कि सिर्फ बाहर जाके जैसे हम बहुत जनों को हम देखते हैं कि एक आधी हॉस्पिटल में जाके दो चार फ्रूट बांट लिए और फोटो निकाल लिए, दैट इज नॉट हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। वो हमारा सामाजिक दायित्व तब आता है कि जब हम वहाँ जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जाके हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेंगे और उनका प्रॉब्लम हम कितना हद तक कुछ सॉल्व कर सकते क्या उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक सही तरीके से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। पर होता ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा इसमें कौन जाएगा, हम हमारा एक कम्फर्ट जोन छोड़ के बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है और काम करना यानी सोशल इसमें आना यानी रियली बहुत डिफिकल्ट होता है। कि आपको अगर किसी ने बोला कि चलो रात में 10 बजे चलो एक जन को बहुत प्रॉब्लम आई है एक लेडी को चलो आप हमारे साथ चलो, तो डेफिनेटली हमारे नंबर ऑफ रीजंस रहते कि मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ उसके लिए उसको ये करने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो एक रहता है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि ये अपने को अपने अंदर से लाना पड़ेगा कि मुझे किसी को हेल्प करना है तब जाके मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ। और मुझे मैं जब तक कोई प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं सकती, और एक गोल्डन रूल है हम फिर से वही बोलेंगे कि एक गोल्डन रूल है कि मैं जब तक वहाँ पे खड़ी नहीं होती हूँ कि ये ठीक है कि मैं ये सिचुएशन में अगर रहती थी तो मुझे क्या प्रॉब्लम आती थी, वो जब तक मैं विजुअलाइज नहीं करती ना तब तक मैं किसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकती। ऊपर ऊपर से हम कोई भी प्रॉब्लम सच्चे दिल से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी संगठना से आप जुड़ सकते हो, उनके साथ आप काम करना चालू कर दो, डेफिनेटली ये जो है धीरे धीरे करके हम लोगों को आ जाता है और हम काम करते हैं। बहुत जनों के लाइफ में ऐसे भी होते हैं कोई भी घटना ऐसी घटती है कि जिसके कारण वो लोग वो प्रोसेस में आ जाते हैं
उनको लगता है कि मुझे तकलीफ हुई थी ना, चलो मेरे जैसे कोई अगर तकलीफ वाले आते हैं तो मैं उनके साथ काम करके उनको मैं उनको हेल्प करूंगी। अभी जैसे हम एक पर्यावरण वाला ही अगर लेते तो आप वो भी अगर स्टार्ट करते कि नहीं, पर्यावरण के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है सोशल यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मेरे घर के आजू बाजू में मैं 10 पेड़ लगाऊँ और वो 10 पेड़ को मैंने जगाओ, मैंने उसको पानी डाल के मैंने उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया ना तो बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको देख के डेफिनेटली 10 लोग करेंगे, 100% करेंगे। थैंक यू। और किसी स्टेशन से किसी का सवाल, वेबएक्स से जुड़े हुए जो भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई और सवाल? हेडकॉन सेवन महिला गौतम बिनेश्वरी डीसी नागपुर से, मेरा सवाल ये है मैम कि हम शिक्षित समाज का एक हिस्सा है परंतु फिर भी हमें बार बार यह दोहराने की जरूरत पड़ती है, हम ऐसे समाज का निर्माण कैसे करें जो कि एक सामाजिक जिम्मेदार हो और मूल शिक्षा ही नहीं बल्कि एक नैतिक नैतिक हो। देखिए अभी मैं फिर से इसमें यही बोलूंगी कि समाज का निर्माण कैसा कैसे कर सकेंगे, तो ये इसमें हमारा घर, ये ही पहला हमारा स्कूल है, ये हमारा फर्स्ट स्कूल रहता है ना, हमारा घर यानी हमारा फर्स्ट स्कूल रहता है जहाँ पे हम हमारे बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, हम हमारी एक्टिविटीज कैसे रखते हैं, उसको देखते हुए हमारे बच्चे बड़े होते हैं और वो बच्चे वैसे आगे जाके समाज में जब वो जाते हैं तब वो उसी तरह से बिहेव करते हैं। बच्चों के सामने अगर घर के अगर हम झूठ अगर हम बोलना चालू कर देते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना, हरदम सच्ची बात करना, पर अगर किसी को मेरे घर में कोई रिलेटिव आता है जिसको मुझे मिलना नहीं है या कोई मेरी फ्रेंड आती है उसको मुझे मिलना नहीं है तो मैं बच्चे को क्या बताती हूँ कि बता दो कि मम्मी घर में नहीं है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यही मम्मी मेरे को बोल रही थी कि झूठ कभी बोलना नहीं और यही मम्मी मेरे को बता रही है कि मैं घर में नहीं हूँ, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, जो भी है बात सच्ची बात उनके साथ करो। ठीक है कि आपको अगर ऐसे लगता है कि मुझे कुछ कारणवश मुझे झूठ बोलना पड़ा तो उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों को दो कि मैंने ये झूठ क्यों बोला था, अगर मैं वैसा करती तो बच्चा समझ जाएगा और मुझे ऐसे लगता है कि ये नौबत अपने ऊपर ना आए, ये एक्सप्लेनेशन देने की नौबत ही ना आए, उससे बेटर है कि हम बच्चों के साथ एक अच्छा अच्छा व्यवहार रखें। जैसे हम बच्चों को हम हमारे पर्यावरण का फिर से हम लेते हैं क्योंकि रियली ये बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी, हम हमारे यहाँ बच्चों को भगवान को नमस्कार करने के लिए रोज सुबह शाम बताते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना दिया लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, नमस्ते करो, पर हम बच्चों को ये सिखाते हैं क्या कि अगर घर में कुछ उसने रैपर चॉकलेट का रैपर रहता है या और कोई गंदा अगर कर देता है तो हम उसको बोलते हैं क्या कि तुम जाओ डस्टबिन में जाके डाल के आ जाओ? बहुत ही कम फैमिलीज में ये होता है और बच्चों को लगता है कि ये जो रैपर उठाना ये सब कुछ करना नहीं ये मेरा काम नहीं, वो मम्मी करेगी। तो ये बच्चों में हमको डालना पड़ेगा, ये आदतें जो है हमको बच्चों में डालनी पड़ेगी तभी जाके। वन मोर थिंग है कि जो बच्चे हमारे घर का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। घर में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तू पागल है, तू मूर्ख है ऐसे टाइप में अगर वो बातें करेगा ना, बच्चा ये सुनते हुए बड़ा होता है और उसको ऐसे लगता है कि इस तरह से ही औरतों के साथ बात करना पड़ता है, तो वो आगे जाके अपनी बीवी को क्या रिस्पेक्ट देने वाला है, नहीं देगा वो रिस्पेक्ट। इसलिए ये हमको घर से हमको ये जो बातें ना हमको करनी पड़ेगी और जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे हमारे घर में तभी जाके हम लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा, हमारे बच्चों से भी हमको रिस्पेक्ट मिलेगा। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं उनको हम किस तरह से बात करते हैं उनके साथ वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक रवैया रहता है कि बूढ़ा आदमी हो गया कि उसने मेरे को पहले कितना तकलीफ दिया था वही सोचते रहते हैं हम लोग, मुझे ऐसे लगता है कि वो बात को निकाल डालो, वो अभी उसकी एज हो गई है अभी वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है, तो नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मुझे संभालना है, जैसे भी है जो भी है मुझे उसको संभालना है। अगर वो हम काम करते हैं तो हमारे बच्चे वो देखते हैं और हमारे बच्चे उसी तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे वो डेफिनेटली, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जाते रहता है,
दूसरा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उनसे मत रखो, पर उनको अच्छी बातें बिल्कुल सिखाना चाहिए, किसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाके आगे जाके समाज जो है वो अच्छा होगा। नहीं तो घर में झगड़े चल रहे हैं कि तू ये घर में नहीं जाना क्योंकि वो समाज के हैं, तो उनके घर में नहीं जाना क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं, उनके साथ तुमने बात नहीं करना, ये सब छोड़ो और बच्चों को अपनी तरीके से उनको उनके एक्सपीरियंसेस आने दो, आगे जाने के बाद उनको समझने दो कि कौन सा समाज कौन सा धर्म क्या है कैसा है। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ही बच्चों में ये सब लाते हैं और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमको ये जिम्मेदारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके अच्छा समाज बनेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू मैम। थोड़ा समय के पाबंद है हम लोग, और विशेष तौर पे आज का विषय भी ऐसा है कि इसमें पूछने के लिए कम और करने के लिए ज्यादा है, क्योंकि जितनी चीजें मैम आपने इतने विस्तार से बताई है और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में जितनी चीज हमें करने चाहिए उसको आपने बहुत ही बारीकी से हमें बताया है, तो शायद सवाल भी बहुत कम बन पाएंगे इसमें, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, पहल नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ सवाल भी नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स सो मच मैम, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत कावा के भारतवर्ष में फैले सभी क्षेत्रीय कावा केंद्रों में संबंधित विषय पर गतिविधियां तथा व्याख्यान आयोजित करवाए जाते रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी विभिन्न रीजनल कावा द्वारा अपने अपने संस्थान में सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं। प्रोग्राम की एक झलक मैं दिखाना चाहूंगा। ये इस विषय पर आयोजित किए जाने वाले अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा कंडक्ट कराए गए सेमिनार एवं वर्कशॉप की एक झलक है जो भारत के अलग अलग रीजनल कावा सेंटर्स में किए गए हैं। थैंक यू सो मच, और अब मैं प्रोग्राम के अंत में अनुरोध करना चाहूंगा रीजनल कावा हेड ग्रुप केंद्र नागपुर श्रीमती कीर्ति जम्भोलकर पत्नी श्री पीआर जम्भोलकर डीआईजी नागपुर से कि वे आज के व्याख्याता को प्रेसिडेंट कावा की तरफ से कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ग्रुप केंद्र नागपुर। थैंक यू मैम। कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए प्रेसिडेंट कावा, कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रूबी चतुर्वेदी जोनल हेड कावा साउथ जोन, इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती कीर्ति जम्भोलकर पत्नी श्री पीआर जम्भोलकर डीआईजी ग्रुप के नागपुर, की नोट स्पीकर डॉक्टर रेखा विनय बरहते, सभी रीजनल कावा हेड्स फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण देख रहे हैं सीआरपीएफ के तमाम कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कावा के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कराए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन ढंग से आयोजित करने के लिए सारे रीजनल कावा हेड्स को विशेष धन्यवाद देता हूं। हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर रेखा विनय बरहते द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व विषय पर दी गई जानकारी समस्त सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवार के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के कार्यक्रम के द्वारा के व्याख्याता को द्वारा दी गई बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत ही आभार एवं धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के अंत में कावा परिवार आप सभी को स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।